टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई मायानगरी में बारिश ने आफत पैदा कर दी है। मुंबई बेबस हो गई है, सड़कें पानी में डूब गई हैं, कार बाइक सड़कों पर खड़े खड़े पानी में डूब गई हैं। तूफानी बारिश में झोपड़पट्टी घरें डूब गई हैं, कहीं बिल्डिंग के शेड यानी पतरे उड़ गई हैं। मुंबई के जे अस्पताल में पानी भर गई है। बिल्डिंग में दादर के सामने लगे पतरे सहित उखड़ कर जमीन में गिर गए हैं। तूफानी बारिश से पेड़ कहीं जगहों पर गिरे हैं, यानी मुंबई बेबस हो गई है। तेज हवाओं व बारिश के कारण मुंबई की जनजीवन ठप सी हो गई है। मुंब्रा थाने में निचले इलाकों में झोपड़पट्टियों में सोसाइटियों में पानी भर गया है। मुंब्रा में एक तरफ खाड़ी है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, और पहाड़ी वाले सेफ हैं और खाड़ी वाले जो है जो झोपड़पट्टी इलाका आता है जहां पर, वो इलाका अब जो है पानी से भर चुका है। कई लोगों के घरों में पानी जो है समा गई है। आपको बता दें, कल से ही महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने कहा था अगले 24 घंटों में मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में आंधी तूफान आ सकता है। और आज 24 घंटे के भीतर मुंबई पानी पानी हो गया है, बेहाल कर दिया है मुंबई को भारी बारिश ने। इसलिए बीएमसी टीएमसी ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिना जरूरत के लोग घरों से बाहर ना निकले, गैस और बिजली कनेक्शन बंद रखें, गैस लीक हो तो सतर्क रहें। अगर निचले इलाकों में रहते हैं तो वहां से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कुलाबा में मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दोपहर के बाद सिर्फ 6 घंटे में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है। चर्चगेट स्टेशन, महालक्ष्मी, बाबुलनाथ मंदिर, अग्रीपाड़ा, जेकब सर्कल, हिंद माता, लाल बाग आदि इलाकों में पानी भर गया है। तो जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं वो सावधान और सतर्क रहें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अजित ठाकरे ने लोगों से अपील की है घरों में रहें। वहीं कलवा मुमरा के आमदार व महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आवाड ने भी लोगों से अपील की है इस तूफानी बारिश में बाहर न निकलें, घर में रहें, सावधान रहें, क्योंकि खासकर मुंबईकरों के लिए चाहे बीएमसी हो या ठाणे, पालघर, इन जिलों में रेड अलर्ट किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।